हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। सो आज जो रीडिंग कर रही हूँ उसका टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज की क्या है, आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे और जो भी एनर्जी मुझे आपकी भी पिक होगी वो भी देखेंगे, ठीक है। सो इस रीडिंग को शुरू करने से पहले जल्दी से पार्टनर का ध्यान कर लें, ठीक है। पार्टनर आपके लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, स्त्री पुरुष कोई भी हो सकते हैं, इसलिए जेंडर्स पे फोकस मत करना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना। और ये रीडिंग जनरल होती है, जरूरी नहीं कि सब लोग के लिए रिजोनेट करे, पर कई बार कर जरूर जाती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। फिर भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग कंफ्यूजन है, क्लैरिटी चाहिए, तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हैं। ऑप्शन स्क्रीन पे है आपके लिए, जो स्क्रीन पे नंबर है उस पर व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं, और व्हाट्सअप करने पर आपको चार्जेस पता चल जाते हैं, ये रीडिंग फ्री नहीं होती, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट यूनिवर्स। ओके, मुझे सबसे पहले आपकी एनर्जी देखनी है यूनिवर्स, सीधे तो पकड़े हैं। हाँ यूनिवर्स, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, करंट एनर्जी क्या है। जो लोग यहाँ पे इस चैनल पे न्यू हैं, मैं बता दूं, हम लोग जानबूझ के आपकी ऊर्जाओं पे ज्यादा फोकस करते हैं, आपकी एनर्जी को पहले चेक करते हैं ताकि पता चले कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। कई बार आपकी एनर्जी से ही पता चल जाता है कि रीडिंग आपके लिए होगी या नहीं, ठीक है, क्योंकि आप कैसा महसूस कर रहे हैं वो कनेक्ट हो गया तो डेफिनेटली आगे की रीडिंग कनेक्ट कर पाती है ना। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इनके लिए क्या है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून। एक मिनट, एक और डेक यूज कर रहे हैं, एक सेकेंड। हाँ इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं यूनिवर्स। एट ऑफ पेंटिकल्स, मून, हाई प्रिस्टेस। एक सेकेंड। हाँ यस, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, मैं कुछ और देख रही थी, सॉरी मेरा ध्यान कहीं और था, रीडिंग में ही मैं फोकस कर रही थी कुछ और चीज पे। ओके, सो जो एनर्जीज मेरे को पिक हुई है, सबसे पहले आपकी एनर्जीज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस की ज्यादा मिली है। ये एनर्जी आपकी, यानी कि आपके साइन हो सकते हैं, वैसे ऑल साइन रीडिंग है, लेकिन जो हाईलाइट होते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ हमेशा। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके अंदर का फायर और आपके अंदर की ऊर्जा बहुत ज्यादा स्ट्रांग और पॉजिटिव हो चुकी है। दीज डेज यू हैव स्टार्टेड योर लाइफ। यार पता नहीं मैं इंग्लिश इतना क्यों बोलने लगी हूँ, मुझे बहुत लोग बोल रहे दीदी आप इंग्लिश में इतना क्यों बोल रहे हो, आप हिंदी में बोला करो। ओके सॉरी, हिंदी चैनल है, भूल जाती हूँ। सो बेसिकली मुझे दिख रहा है कि आपने एक नई बिगनिंग कर ली है अपनी लाइफ में और आपने अपने पार्टनर से करंटली मूव ऑन कर लिया है, ठीक है। रीजन है मूव ऑन करने का क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपको कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है, कुछ भी अच्छा मिल नहीं रहा है, आप इस रिश्ते से हैप्पी नहीं हो, अपने पार्टनर से हैप्पी नहीं हो, आपको लग रहा है कि इस इंसान ने ऑलरेडी बहुत टाइम लगा लिया और बहुत आपको हर्ट भी किया। आपके पास क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि अब आपकी एनर्जी ऐसी हो चुकी है जहां पर आपको लग रहा है कि आप इतना कर तो रहे हैं लेकिन इसका पॉइंट क्या है, आप इतना तो इनके लिए सोच रहे हैं, इतना कंसर्न है, आज भी आप इनके साथ कनेक्टेड है, पर इसका पॉइंट क्या है, क्योंकि वो इंसान तो आपके लिए दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा, कोई एफर्ट मारता हुआ, कुछ चीज़ करता हुआ या आपके लिए कुछ करती हुई, वो तो नजर ही नहीं आ रहे। आप इतना कुछ कर रहे हैं, क्या वो व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या उन्हें आपके लिए जरा सी भी परवाह है? अगर परवाह है तो वो परवाह दिखती क्यों नहीं, क्योंकि आपकी परवाह तो आपका एक्सप्रेशन तो एकदम लाउड है, आपका प्यार तो खुलकर दिखता है, तो क्यों उनका प्यार कहीं दिखता नहीं, क्यों उनकी केयर नहीं दिखती, सपोर्ट नहीं दिखता? और कैसे एक इंसान इतना लंबा समय तक आपसे बात किए बिना रह सकता है? क्योंकि यहाँ पर देखो जिस तरह की जाले बन गए ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप लंबे समय से वेट कर रहे हैं, ये बहुत लंबा इंतजार था आपका, ठीक है, बहुत लंबा। यहाँ पे क्योंकि धूल लग गई है, जाले लग गए हैं, क्लियरली दिख रहा है कि इस ऊर्जा में आप बहुत अपसेट हैं और बहुत लंबे समय से आप एक जगह बैठे हुए हैं, आपने इतनी किताबें पढ़ ली हैं, बट यहाँ पर कोई फायदा नहीं क्योंकि इतनी किताबें पढ़कर भी आपको कोई सोल्यूशन मिल नहीं रहा है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में आंसर ढूंढ रहे हो कि कोई पॉइंट है, मैं इतना तो ट्राई कर रहा हूँ या इतना तो ट्राई कर रही हूँ, क्या कुछ लॉजिक है, कुछ मिल रहा है? यहाँ पर तो इतना समय से मैंने रिसर्च कर ली, सब कर लिया, सबसे बात कर ली, हो सकता है मल्टीपल लोगों से आपने कनेक्ट किया, अलग अलग लोगों से कंसल्टेशन ली, हो सकता है पंडित के पास गए, टैरो रीडर के पास गए, पर कोई कंक्लूजन आपको नहीं मिल रहा है। इंट्यूशन कुछ कहती है, दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, हर तरह से बातें अलग अलग हो रही है, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि जाना किस तरफ है, डायरेक्शन समझ नहीं आ रहा है। एट ऑफ कप्स की एनर्जी, बस आपने खत्म किया है, गिव अप कर दिया, अब इस रिश्ते में और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। यहाँ पर क्लियरली पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी
ये रिप्रेजेंट करता है कि आप अब अपने लाइफ की न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, नई चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, नए इंसान पे तो नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि आप किसी नए व्यक्ति को मौका दे रहे हैं, बट यस आप किसी न्यू एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग, कुछ नया सीखने, नया लर्निंग, या आप अपने आप को बदलने में प्रोसेस कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं नियर फ्यूचर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। जिनकी एनर्जीज मैच हो गई है जल्दी से लाइक चिपकाओ और आगे की रीडिंग कंटिन्यू करो। न्यू फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी ओवरथिंकिंग बढ़ रही है आने वाले समय में। आप बहुत ज्यादा खुद को स्टक और लोनली फील कर रहे हो अपकमिंग इवेंट में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि नियर फ्यूचर यू आर थिंकिंग कि क्यों मेरे साथ ही गलत होता है, क्यों मेरे साथ ही चीजें ठीक नहीं है। आप वापस से पास की तरफ देख के ये सोच रहे हो कि क्यों मेरी लाइफ इतनी ज्यादा ड्रेन्ड और इतनी डिस्टर्ब रही, क्यों गलत लोग जीत गए, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप प्लेयर एनर्जी से इरिटेट हो। आप अपने आसपास लोगों को गलत करते देख रहे हो और आप बोल रहे हो कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मतलब मेरी लाइफ में इतने इश्यूज हैं, क्यों मेरी लाइफ में मुझे वो सर्व नहीं हो रहा जो मैं डिजर्व करता हूँ या डिजर्व करती हूँ, क्यों मेरी लाइफ में इतना प्यार देके भी मेरे साथ गलत हो रहा है। क्लियरली आप बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग और थॉट्स में खो गए हो, सोच विचार ओवरथिंकिंग ज्यादा दिख रही है, फीलिंग स्टक की एनर्जी ज्यादा है, आप स्टक फील कर रहे हो और क्लियरली आप चाहते हो किसी तरीके का क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन का मतलब आप कुछ तरीके का आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर से, आप किसी तरीके की एनर्जी एक्सपेक्ट कर रहे हो उनकी तरफ से जो उन्होंने नहीं दिया, उनको कुछ एक्सप्रेस करना था, बोलना था, जो उन्होंने नहीं बोला। मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ, रुको, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लारिफाई करना, एडवाइस देती हूँ, रुको, मैं आपको बताती हूँ कुछ आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग गुड, आप ट्राई कर रहे हो बट आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। टेन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, टेन ऑफ कप्स और फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ऐसा है कि आप देख रहे हो कि सामने वाले लाइफ में अपनी ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ गए हैं, वो खुश हैं अपनी जिंदगी में, आपके बिना भी वो बहुत अच्छे से जी रहे हैं, हैप्पी हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको तकलीफ दे रही है। आपको लग रहा है गलत करने वाला जीत कैसे सकता है, गलत करने वाले के साथ सही कैसे हो, मतलब इतना अच्छा कैसे हो रहा है, ये तो इंसाफ नहीं, ये तो जस्टिस नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि अभी डेफिनेटली आपको ज़रा सा भी बॉदर नहीं कर रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आप बहुत अपसेट हैं इस बात से कि क्यों लोग जो है गलत करके भी इतने हैप्पी रह सकते हैं, इतने खुश रह सकते हैं, क्यों ऐसा है कि आपका इतना अच्छा करने के बाद भी भगवान जो है आपके लिए इंसाफ नहीं करता, क्योंकि क्लियरली आप स्टॉक कर रहे हैं और ऐसा दिख रहा है आप कुछ देख रहे हैं, कुछ स्टॉकिंग एनर्जी या कोई रीडिंग या कुछ ऐसा आपने देखा जिससे आप एकदम से डिस्टर्ब हो गए, आप एकदम से अपसेट फील कर रहे हैं, आप एकदम से लो फील कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार मेरी लाइफ ऐसी क्यों है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या इनकी लाइफ ऐसी ही रहेगी, आगे कोई इनके लिए अबंडेंस या ब्लेसिंग आप देंगे? थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, यू नीड टू हील योरसेल्फ। आप हीलिंग पे फोकस नहीं कर रहे हो, द प्रॉब्लम इज आपको लग रहा है कि आपको न्यू बिगनिंग करनी है पर हीलिंग नहीं करनी है। अब हीलिंग का मतलब ये है पहले एक्सेप्टेंस, ठीक है? अब मैं ना एक चीज आपको समझाती हूँ जो शायद आप लोगों के लिए काम आएगी। देखो मेरी ना हीलिंग वैसे ही हुई थी, तो मैं कहीं ना कहीं मैंने बहुत मेथड्स जो हैं लर्न किए हुए हैं, अपने ऊपर बहुत अप्रोच किया, बहुत से क्लाइंट्स पे भी किया है, ठीक है? मैं अब आपको भी समझाऊंगी, इन फ्यूचर रहा तो, अभी नहीं बोलूंगी, प्लीज़ इसके रिलेटेड मुझे अप्रोच भी मत करना, इन फ्यूचर रहा तो मैं हीलिंग का भी शुरू कर दूंगी कंसल्टेशन, जिससे आप लोगों की हीलिंग हो सके, बिकॉज मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा यही एक तकलीफ है, लोग हील नहीं हो पा रहे, और मुझे लग रहा है कि शायद इस चीज़ के बारे में मैं सोचती हूँ आगे। एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पर मुझे देखो क्लियरली दिख रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ये रिलेट कर रहा है कि आपको, आप अंदर ही अंदर बहुत डैमेज हो रहे हो, आप हील नहीं हो और आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आगे बढ़ने के लिए। और गाइडेंस में मैं कहूँगी पता है क्या करना, जो मैंने ट्राई किया था, आप मनी मन ना कभी एकांत में बैठो, अकेले में बैठो, आसपास कोई शोर नहीं होना चाहिए, भले अंधेरा कर लो, ठीक है, अंधेरा कर लो, लाइट वाइट बंद कर दो। आप पुरुष है, स्त्री हैं, आप कोई भी हैं, कोई भी उम्र के हैं, अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, इसे ट्राई करो, इससे आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और आप जितने दिन कर सकते हो उतने दिन ट्राई करो, अकेले बैठो, अंधेरा कर दो पूरा, ठीक है, मोबाइल भी साइड फेंको, कुछ देर ऐसे ही बैठो बस अपने में, अपने आप में बैठो, ठीक है। थोड़ी देर के बाद क्या होगा ना, थोड़ी देर के बाद व्हेन यू फील गुड, आप अच्छा लगे, मन ही मन अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करो। आई यूज़ टू डू दिस, मैं क्या करती थी, मैं मनी मन बात करती, मनी मन बात, पता है, देखो अब वो मेरा बंदा है तो मुझे कैसे ना, मुझे उसकी आवाज़ एकदम रटी हुई है, मुझे याद है कि उसकी आवाज़ कैसी है, वो कैसे बात करता है, उसका तरीका क्या है, मुझे बात करने का सब उसका आइडिया है, हम इतने साल के रिलेशनशिप में रहते हैं, हमें आइडिया हो जाता है ना। तो मैं मनी मन उसको सोचती थी एंड कन्वर्जेशन कुछ ऐसी होती थी जहाँ पे मैं बोलती थी, मतलब वही बोलते थे, हमेशा इनिशिएट करते थे मनी मन, वो इनिशिएट करते थे हाय, तो मैं हे, और एकदम नॉर्मल बात कर रहे हैं, नॉट लाइक कि लड़ रहे हैं पागलों की तरह, नहीं,
भाई कैसे हो, और एकदम जो गंभीर वाला, आई एम नॉट सेइंग वेरी हैप्पी हैप्पी वाला, नॉर्मल, जैसे कैसे हो, और वो अच्छा हूँ, तुम कैसी हो, मैं अच्छी हूँ, सब ठीक चल रहा है, हाँ ठीक चल रहा है, आपकी आप मुझे याद करते हो, तो ही सेज कि हाँ बहुत करता हूँ, और वो मुझे पूछ रहे हैं क्या तू मुझे याद करती है, मैं कहती हूँ कि हाँ बहुत याद करती हूँ, तो आप खुश हो, तो वो कहते हैं कि हाँ कह सकता हूँ मैं खुश हूँ, तो आप अकेला फील करते हो, हाँ लगता है तुम साथ नहीं हो ना इसीलिए, सो वो पूछते हैं कि तुम खुश हो, हाँ खुश हूँ, पर आपकी कमी लगती है बहुत ज़्यादा, इस तरह हम लोग बात करते जाते हैं करते जाते हैं, एक अंदर ही अंदर मन के ट्यून में हमारी बात हो रही होती है, और मैं लिटरली उनकी आवाज़ को सुनती हूँ, मेरे, अब देखो हर किसी का ना एक पावर होता है, अब मेरी पावर ऐसी है कि मैं सामने सेंस तक कर सकती हूँ उस इंसान को, फील कर सकती हूँ, सो इट्स अप टू यू कि आप कितना ज़्यादा स्ट्रांग लेवल पे जा सकते हो, ठीक है, ये कुछ टाइम तक प्रैक्टिस करो, फिर मैं उनसे बोलती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पता है, तो वो भी मुझे रिटर्न बोलते हैं आई नो मैं भी बहुत करता हूँ, तो उसके बाद कैसा होता है ना कि हम कुछ ना कुछ इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि घर पे सब ठीक है, ये है वो है, वो मुझे बता रहे होते हैं कि घर में थोड़ा सा इशू चलता है, बट इट्स ओके हैपन्स, तुम ठीक हो, और वो मुझे सलाह देते हैं अपनी इमेजिनेशन में, वो मुझे बताते हैं कि यार लुक, तुम्हें नहीं लगता तुमने लंबा इंतज़ार कर लिया, मेरा वेट मत करो, आगे बढ़ो, मैं बोली कि यार आगे कैसे बढ़ूँ, आपके आपकी याद आती है, मैं तो तेरे साथ हूँ, मेरी याद क्यों आ रही है, मैं तो तेरे बगल में ही बैठा हूँ, तू मुझे क्यों मिस कर रही है, और क्या तुझे लगता है कि मुझे तुझे दुखी देखकर बहुत तकलीफ होगी या खुशी होगी, तुझे लगता है मुझे तुझे दुखी देख के अच्छा लगेगा, नहीं ना, तो तू आगे बढ़, मैं चाहता हूँ कि तू आगे बढ़, तू भी अपनी लाइफ में आगे बढ़, मैं भी बढ़ रहा हूँ, बाकी हम दोनों ऐसे साथ ही रहेंगे, ऐसे कुछ ख़त्म नहीं हो रहा है हमारे लिए, तो चाहे किसी की हो जा, किसी और की हो जा, या किसी के पास चली जा, क्या मेरा प्यार कम हो जाएगा तेरे लिए, क्या तू मेरे लिए चेंज हो जाएगी या मैं तेरे लिए चेंज हो जाऊँगा, तो हम ना अंदर एकदम डेप्थ में जाके बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं आपको बता नहीं सकती, बट ये एक तरीका होता है जब मैं उससे कन्वर्जेशन करती हूँ, और मैं उनको एंड में बोलती भी हूँ कि चलो आप ध्यान रखना अपना, और वो मुझे बहुत प्यार से बोलते हैं चलो आई अपना भी ध्यान रखना, अब इस इमेजिनेशन में समटाइम्स वो मुझे फोरहेड पे किस करते हैं, समटाइम्स वो मुझे गले लगाते हैं और बोलते हैं डोंट वरी मैं हूँ तुम्हारे साथ, समटाइम्स मैं उन्हें गले लगाती हूँ जब मुझे लगता है अंदर से कि अंदर से एक फीलिंग आती है ना कि ही इज़ नॉट फीलिंग गुड, वो अच्छा नहीं महसूस कर रहे, तो मैं अपनी इमेजिनेशन में उन्हें गले लगाती हूँ और उन्हें बोलती हूँ डोंट वरी यार तुम तो शेर हो शेर, हमेशा मैं ऐसे ही बात करती थी, अरे यार तुम तो शेर हो शेर, तुमको क्या, तो तुम तो शेर हो शेर, सो इस तरीके के कम्युनिकेशन से पता है क्या होता है, जो क्लोजर आप चाहते हो, जो सवाल के जवाब आप चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली वो एनर्जी प्रॉब्लम दे ही रही है आपको, तो उससे क्या हो जाता है ना कि आपकी वो क्लोजर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आप डेली बेसिस पे जब उस इंसान से कनेक्ट कर जाते हो, उसकी एनर्जी से, उसके उससे बात कर रहे होते हो, एक कंफर्ट जोन में आ जाते हो, देन स्लोली 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 इस रिश्ते से हील होकर निकलना आसान हो जाता है आपके लिए, ठीक है, अब आप समझ रहे हो, बट उस रिलेशनशिप से जुड़कर नहीं रहना, आपको ये कोशिश करनी है कि वो इंसान बार बार आपको याद दिला रहा है कि आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आप खुश रहेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, आपको ये नहीं बोलना, ये ऐसी कोई इमेजिनेशन नहीं करनी कि मैं आऊँगा चीज़ें ठीक कर दूंगा और हम दोनों शादी करेंगे हैप्पीली एवर आफ्टर, नहीं, फिर तो आप खुद वापस से उनकी एनर्जी में पागलों की तरह स्टक हो जाएंगे, फिर कुछ आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, फिर आप वहीं रुके रह जाएंगे, देखो ये सब प्रोसेस का मतलब ये कतई नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि एकदम सब खत्म हो जाएगा, एक दिन कुछ स्टार्ट नहीं होगा, नहीं, इस प्रोसेस का मतलब सिंपल है कि जब अपने आसपास उस इंसान का व्यक्तित्व महसूस करोगे, उससे बात करोगे, तो उससे मिलने की बेचैनी, उससे बात करने की रेस्टलेसनेस खत्म हो जाएगी, ये जो इंतजार करने की आदत है, ये जो स्टॉक करने की आदत है, ये जो एक अंदर से रोने का मन करता है, एंजाइटी आती है, ये नहीं आएगी, फेस पे फिर से स्माइल आएगी एंड यू विल हील योर सेल्फ, आप एकदम से हील हो जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि पता नहीं मैं इतनी डिस्टर्ब क्यों थी, क्या हो रहा था मुझे, मैं क्यों इतना, मेरा बंदा और मैं, मतलब क्योंकि आपने प्यार से उसे सॉल्व किया है ना, अब लेट से आप लोगों के बीच में कुछ बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, कोई बहुत मैटर चल रहा है जो आप लोगों को लग रहा है कि सॉल्व होना ज़रूरी है, तो आप उनसे वो डिस्कस करो ना, जब तक आपको लग रहा है, इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपको उनकी मदर से कोई प्रॉब्लम थी, अब एग्जाम्पल है, ठीक है, तो आप उनसे बोलो तुझे याद है ना तेरी मम्मा ने क्या किया, तो वो आपको लिटरली आपकी ही इमेजिनेशन में समझाएंगे, आप अब तू तू उनको क्यों देख रही है,
तू मुझे क्यों नहीं देख रही, तू मुझसे प्यार के साथ रहना, तू उसको उनको मत फोकस कर, तुझे तो पता है मम्मा की क्या हैबिट है। और वो लिटरली आपसे वही बात करेंगे जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप वेट कर रहे थे। या ब्लेट से आपको सॉरी सुनना है, आपके इमेजिनेशन में आपसे सॉरी बोलेंगे, सॉरी मैंने देखो ज़्यादा हर्ट किया क्या, मैंने ज़्यादा हर्ट किया ना, आई नो मेरी वजह से तुझे तकलीफ हुई, आई एम रियली सॉरी, मेरा इंटेंशन नहीं था तुझे तकलीफ देने का, आई नो तू मेरे को याद कर रही होगी। ये सब बातें वो लेवल पे ले जाओ, ओनली देन आपकी हीलिंग होगी, सिर्फ तब आप इस एनर्जी से मूव ऑन कर पाएंगे, तब आपकी न्यू बिगनिंग असल में होगी। मल्टीपल टाइम्स इसे ट्राई करो, जब जब मन करता है, जब जब मन उदास है, आई एम नॉट सेइंग कि एक पर्टिकुलर डे, हर दिन नहीं, जब जब आपको लग रहा है कि आप बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हो, आपको वो इंसान के बिना अब आगे बढ़ना है, तब आप ये ट्राई करो। ट्रस्ट मी ये हमेशा वर्क करता है, बड़े से बड़ी हीलिंग जो है ना इतनी काम नहीं करेगी जितनी ये करेगी, क्योंकि मनी मन आप उस इंसान से वो कनेक्शन बना लेते हो, वो चीज़ें कर लेते हो जो आप हमेशा से उनमें देखना चाहते थे या उनके मुँह से सुनना चाहते थे। और जैसे ही वो सब चीज़ें होती हैं, आपके दिल को शांति और मन को एक ठंडक सी आ जाती है, तब ऐसा लगता है कि ठीक है, नाउ आई एम रिलैक्स्ड, अब मैं खुश हूँ, समझे। बट आप उनसे ये कभी बात मत करो कि वापस आ जाओ, ये हम मिल जाए, एक हो जाए, नहीं, डोंट डू दैट, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। प्यार की भावना ऐसी ही है, प्यार ऐसे ही होता है यार, प्यार अगर किया है सच्चाई से तो ये चीज़ें तो आप डेली बेसिस पे करते हो, बस इसको सही तरीके से करना शुरू करो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपकी हीलिंग बराबर नहीं हो रही, अगर आप अपने हार्ट चक्रा पे काम करेंगे तो आपको इशू नहीं आएगा, और हार्ट चक्रा को हील करने का एक सबसे अच्छा मेथड मैंने आपको दिया है आज, ठीक है। सो अब आपके पार्टनर की एनर्जी, आई नो मैंने बहुत लंबा खींचा है, कुछ लोगों को बुरा लगता है, कुछ इरिटेटेड होते हैं, कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि दीदी आपने बहुत खींच लिया, बड़बड़ नॉनसेंस टॉकिंग, क्योंकि कुछ लोग बहुत रूड हैं, जो लोग मुझे लिटरली कमेंट्स में बहुत फालतू जो बोलते हैं शब्दों का यूज़ करके बोलते हैं। लेकिन ये मैं आप लोगों का, मेरा पर्पस ऑफ दिस चैनल ये है कि आप लोगों को गाइडेंस भी मिले और आपकी हीलिंग हो। अगर वही नहीं हो रहा है, पॉइंट क्या है, सिर्फ अपने पार्टनर की बार बार फीलिंग्स देख कर चले जाना है, उसका कोई लॉजिक नहीं है ना, हील भी तो होना है ना, हीलिंग पे भी तो ध्यान देना है। सो यहाँ पर जो एनर्जी है, और मैं आप लोगों को बोलूंगी अभी से राशिफल ज़्यादा देखना शुरू करो, बिकॉज राशिफल जो होते हैं मैं बनाती भी हूँ आप लोगों के लिए टैरो पे, तो उससे आपको ज़्यादा फायदा, आपको अपनी करियर के बारे में, हेल्थ के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में पता चलता है, तो ज़्यादा फोकस किया करो उस चीज़ों पे, ठीक है। सो अभी आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड, हाँ, एट ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर ने सडनली आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक बोलते ना डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, वो उनको सडनली लग रहा है कि इस रिलेशनशिप पे उन्हें काम करना चाहिए, आप पे उनको, आपके लिए उन्हें एफर्ट डालनी चाहिए। सडनली उन्हें फीलिंग आ रही है कि इस रिश्ते में उन्होंने कहीं कोई चूक कर दी है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, कोई मिस्टेक है जो उन्होंने की है जिसे ठीक करने की ज़रूरत है, अगर वो कोशिश करते तो ये रिलेशनशिप में कभी प्रॉब्लम आती ही नहीं। इस टाइम पे आपके पार्टनर चाहते हैं आप उन्हें एक चांस दें, लिटरली आप एक चांस दें और ये रिश्ता दोबारा वो सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ के कुछ इश्यूज को फेस करके, प्रॉब्लम्स को फेस करके अब आपको अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उनको अंदर से ये फीलिंग आई है कि जो भी हुआ वो उसे बदल सकते थे, वो उस चीज़ को ठीक कर सकते थे, पर उन्होंने प्रयास गलत किए, उनके एफर्ट्स गलत गए, उन्होंने जो करना था वो एग्जैक्टली नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग की एनर्जी है, आपको सोच रहे हैं, आपको इमेजिन कर रहे हैं, देर आर चांसेस कि वो आपके सपने देखते हैं, क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि आसपास लोगों के होने के वजह से ये व्यक्ति आपको अप्रोच नहीं कर रहे, आसपास कुछ फैमिली या कुछ इशूज़ की वजह से ये व्यक्ति एक्सेप्ट बोलते ना, आपको जो है आपके लिए जो एक पर्टिकुलर चीज़ करनी थी वो कर नहीं रहे हैं। लेकिन मनी मन ये बहुत आपको डे ड्रीम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए बहुत सोचते हैं, आपको सपनों में यहाँ वहाँ इमेजिन करते हैं, मन से बहुत हताश हैं, अभी भी अकेलापन आपके बिना महसूस होता है, लेकिन ये किसी को दिखा नहीं रहे, पास्ट की मेमोरी से बाहर नहीं निकले। नॉस्टेलिजिया की एनर्जी ज़्यादा है, जिसका मतलब पुरानी बीते कल को याद कर रहे हैं, बीते समय को याद कर रहे हैं, उस वक्त को बार बार याद कर रहे हैं जिसमें आप दोनों साथ में थे, उस मोमेंट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक जब 18 या कुछ टाइम स्टैम्प्स होगा, 18 या 19 के मिनट हुआ था तब आपके पार्टनर की रीडिंग शुरू हुई है, ठीक है। सो आप चाहे तो भले टाइम स्टैम्प्स डाल सकते हो कमेंट में, ठीक है, ताकि बाकी लोग जो रीडिंग सीधा देखना चाहते हो देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में वो फीलिंग ज़रूर है जहाँ पर वो आपको अब अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, आपको डे ड्रीमिंग करते हुए आपके बारे में छोटी छोटी बातें
सोचते हुए नजर आ रहे हैं, पुराने के पुराने फेलियर्स पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं। क्या क्या चीज है जो आप दोनों के बीच में वर्क नहीं करी? वर्क नहीं करी मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोग दोनों के लिए आपके फेवर नहीं हुआ। अब ऐसा था कि ये चाहते थे कि उस टाइम पे आप एडजस्ट करें पर आप एडजस्ट नहीं कर रहे थे, उस टाइम पे आप चाहते थे कि ये थोड़ा सा आपके लिए एफर्ट डाले पर ये डाल नहीं रहे थे। तो ये वो सब चीज़ों को रियलाइज कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों इनकी एनर्जी में ना एक एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, जो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी करते हैं। आपके पार्टनर की एक इमेजिनेशन डेफिनेटली बनी हुई है और उस इमेजिनेशन में आप उनके साथ ही हैं, ठीक है, आप 100% उनके साथ हैं। और स्पेशली मुझे ये रात के और दिन के टाइम में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके साथ होते हैं। रात और दिन के टाइम मतलब अप्रॉक्स मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ड्यूरिंग लंच टाइम, पता नहीं क्यों लंच टाइम पे ज्यादा दिख रहा है, और यार रात को सोते वक्त, ये दोनों टाइम पे ना आप इनके इर्द-गिर्द होते हैं। तो ये लिटरली आपको अपने लिए फील करते हैं, सेंस करते हैं, ये आपको याद करते हैं। इनके मन में आपकी एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी है जिसमें ये आपको छोड़ नहीं रहे, इसलिए हो सकता है कि आप इनकी इस रिश्ते से बाहर भी नहीं निकल पा रहे, क्योंकि इन्होंने आपको लेट गो नहीं किया। ये आपको जाने नहीं दे रहे अपनी इमेजिनेशन से, ये अपनी दुनिया से आपको निकाल नहीं रहे, अपने दिमाग में बसा कर बैठे हैं, मन में बसा कर बैठे हैं, और कहीं ना कहीं बार बार वही चीज़ों को याद कर रहे हैं जो चीज़ कल घटित हुई थी, कल पुराने बीते कल में घटित हुई थी आप दोनों के बीच में। और उस बीते कल में देर आर चांसेस, ये भी चांसेस पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि आप दोनों के बीच में या तो फाइनेंशियल लेन देन हुई है, पैसों की लेन देन, या आप सेम वर्क प्लेस पे साथ में काम करते थे, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि पैसों के लेन देन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है, क्योंकि मून की एनर्जी भी रिफ्लेक्ट हुई है तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में बीता हुआ कल बहुत सुंदर था, बट इस समय कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत दुखी हैं, रो रहे हैं, नहीं, ये इसलिए नहीं रो रहे हैं क्योंकि इनके आसपास इनकी इमेजिनेशन में आप ऑलरेडी इनके साथ हैं। ये वही मुझे कहीं ना कहीं मेथड यूज करते नजर आ रहे हैं जो मेथड मैं अभी आपको गाइड कर रही थी, एग्जैक्टली वही मेथड है। आसपास ऐसा लग रहा है उसके चलते ही ये आपको आसपास में फील करते हैं और इसकी वजह से वो नॉर्मल है, उन्होंने अभी तक एफर्ट नहीं डाला, बट यस अभी ये इस रिलेशनशिप को ठीक जरूर करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में इनको सडन फीलिंग आती है कि कुछ एक्शन इन्हें लेने थे जो इन्होंने नहीं लिए, कुछ मिस्टेक्स हैं जो इन्होंने करी हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। मुझे इनके तरफ से आने वाले समय में स्ट्रांगली एक्शन दिख रहा है, बट ये जल्दी नहीं हो रहा है। आने वाले मतलब अभी कुछ हफ्ते बाकी हैं, अभी कुछ हफ्ते और हैं, मुझे 4-6 वीक्स दिख रहे हैं और पॉसिबल है कि इनकी तरफ से आने में 4-6 वीक्स दिख रहे हैं। बट क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको याद बहुत करते हैं अपनी लाइफ में। इनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो ये चीज़ याद करते हैं वो है आपकी केयर, आप इनकी केयर बहुत करते थे, आप इनकी इनके लिए हमेशा तब तब खड़े रहे, तब तब अवेलेबल रहे जब इनको बोलते ना इनके आसपास बहुत से लोगों ने जब जब इनका हाथ छोड़ा, बड़े से बड़े खतरे वाली टाइम पे जहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम और स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, तब भी आप इनके साथ खड़े थे। तो आप जैसे इनकी केयर करते थे, जितना आप एफर्ट डालते थे, जितना आप प्यार करते थे, वो सब चीज़ें ना इनको बहुत याद आती है। और इन्हें लगता है कि इन्होंने अपना जो पार्ट प्ले करना था ना केयरिंग होने का, वो नहीं किया है, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति चाहते हैं कि ये भी आपकी उतनी ही केयर करें, उतना ही आपको लव और अफेक्शन दे जो आप डिजर्व करते हैं। इनको लगता है इन्होंने आपको पूरी तरीके से प्यार नहीं दिया जितना देना चाहिए था, इन्होंने बहुत कम आपको जो है अपनी तरफ से सरप्राइज दिए, गिफ्ट दिए, हो सकता है इन्होंने जो किया वो उनको लग रहा है कम है, इनको और चाहिए था देना। इनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरे को बहुत कुछ करना था जो मैंने इसके लिए नहीं किया, इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, ना चाहते हुए भी इस इंसान ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। आपके पार्टनर मुझे क्लियरली सीक्रेटिव एनर्जी में नजर आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो वो छुपा रहे हैं, जो वो नहीं चाहते कि किसी को पता चले, वो अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा दिखाते नहीं। आपके पार्टनर पहले जैसे तो बिल्कुल नहीं है, ये कन्फर्म्ड है, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। इनके फेस पे स्माइल ज़रूर दिखती होगी आपको, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। इनके अंदर की एनर्जी लिटरली रिप्रेजेंट कर रही है कि ये आपके लिए तड़प रहे हैं, ये अंदर से बहुत ज़्यादा आपको लेकर अंदर से एक डेस्परेशन की एनर्जी ज़रूर रखते हैं। एक तड़प है, एक खालीपन है, एक अकेलापन है, एक मायूसी है, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बस आपको लेकर ऐसा सोचते हैं कि काश वो चीज़ कल जो बीती थी वो नहीं हुई होती। मतलब वो जो एक इशू आप लोगों के बीच का हुआ है ना, वो इनको ऐसा लगता है कि काश वो नहीं हुआ होता, काश चीज़ें अलग होती, क्योंकि इनको क्लियरली लग रहा है कि सिचुएशन बिगड़ गई है हाथ से, और वो भी उस पर्टिकुलर एक सिचुएशन मोमेंट में जब इनको कुछ अच्छा करना था पर इन्होंने गलत कर दिया, इनसे कोई गलती हुई है। 9 of Wands की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि ये कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको आके अप्रोच करेंगे, ठीक है, आप इनको जाके अप्रोच करेंगे, आप आएंगे बात करने। इन्हें नहीं पता कि अब आप नहीं आएंगे,
इन्हें आइडिया नहीं है कि अब आप नहीं आएंगे। इन्हें कहीं ना कहीं एक विश्वास होता है ना, कि इनको अंदर विश्वास है कि अब आप आने वाले हैं, अंदर से गट फीलिंग है कि अब आने वाले हैं, चीज़ें बेहतर होने वाली है, बट इन्हें आइडिया नहीं है कि आप नहीं आएंगे, क्योंकि आपने डिसीजन ले लिया है। अगर आप नोटिस करो तो आप एक हॉस्पिटल में, आप हर्ट हो, आप जैसे लग रहा है दिल की सर्जरी करा रहे हो, अपनी अपना दिल निकाल कर बाहर फेंक रहे हो, क्योंकि आपका दिल बुरी तरह से टूटा है। आप अपने आप को हील कर रहे हो और यहाँ पर आपके अंदर ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रैक्टिकल पर्सन हो रहे हो, कि जिसके पास नो टाइम फॉर लव, कोई टाइम ही नहीं है मेरे पास प्यार के लिए, दफा हो जाओ सबके साथ, तो वो एनर्जी में हो। इन्हें आइडिया ही नहीं कि अब आप नहीं आएंगे, इन्हें आइडिया ही नहीं कि आप आगे बढ़ रहे, इन्हें लग रहा है कि अब आप इनिशिएट करेंगे, अब आप अप्रोच करेंगे, शायद अब आपका टाइम आएगा जब आप आके चीज़ें प्रयास करके ठीक करेंगे, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इनको आप कितनी याद आती है, आपको कितनी आती होगी। नाइन ऑफ वॉन्स, इन्हें लग रहा है ये एकदम क्लोज है, एकदम क्लोज आ गए हैं, जब आप इनके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट ज़रूर करेंगे। ऑब्स्टेकल ये है, अपनी गलती एक्सेप्ट करने में दिक्कत है इनको, अपनी गलती मुंह पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये ऑब्स्टेकल है। इनके ईगो इतनी ज़्यादा है, अपनी ईगो के चलते ये व्यक्ति अपनी अपनी बोलते ना हाइएस्ट ईगो के चलते, जी मैं ही सही हूँ, मैं ही राइट हूँ के चलते आपका पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिश्ते को बिगाड़ रहा है। आई एम डूइंग राइट, मैं सही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ, उसके चलते, ईगो के चलते ये व्यक्ति अप्रोच नहीं कर रहे आपको। इन्हें लगता है कि जो भी हुआ वो उसे आपको ठीक करना पड़ेगा, ये ठीक करना चाहते हैं लेकिन चाहते हैं आप एफर्ट करें, बट वो जानते नहीं कि आप बिल्कुल ट्राई नहीं करेंगे, या आपका वेट कर रहे हैं बट आप कहीं ना कहीं गिव अप कर चुके हैं, आप नहीं आना चाहते, आप जाना ही नहीं चाहते उस तरफ। डेफिनेटली आप उनको मिस करते हैं, आप हर्ट हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप नहीं जाना चाहते। आपको क्योंकि समझ में आ गया कि इस इंसान ने क्या करना था और क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि अगर आप जाएंगे तो ये व्यक्ति वापस से आपको इन फ्यूचर वही सब देंगे जो आप डिज़र्व नहीं करते, वही तकलीफ, वही पेन जो आप डिज़र्व नहीं करते, जिसके वजह से आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एकदम पकड़ कर रखे हैं और आप नहीं अब गिव अप करना चाहते। आपके पार्टनर लेकिन ऑन दी अदर हैंड चाहते हैं कि आप वापस आ जाए, वो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली आपको, हो सकता है इसलिए विजुलाइज करते हैं बार बार। क्लियरली आप देखो यहाँ पर एक राजा है जो वेट करते करते थक रहा है। अब ये रानी है राजा है वो तो आप जेंडर डिसाइड करें, लेकिन आप देखो वेट करते करते थक गया है कि यार कब आएंगे कब आएंगे। ही और शी वो चाहते हैं कि आप अप्रोच करें। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खालीपन और अकेलेपन को महसूस करते हैं और उन्हें लग रहा है कि वो खुद होकर नहीं आ सकते, चीज़ें ठीक नहीं कर सकते, आप ट्राई करें, ऐसा उन्हें लगता है। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मिसअंडरस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट करती है। आपके पार्टनर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या अपनी ईगो में आकर जो सही चीज़ें हैं उसे देखना ही नहीं चाहते। प्यार पता है, केयर पता है, सपोर्ट पता है, आपकी वैल्यू पता है, लेकिन फिर भी जो सही करना है वो समझ नहीं पाते, वो गलत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इनडिसीजन है। एनर्जीज में एक ऊर्जा जो होनी चाहिए, जैसे एक ऊर्जा होती है ना कि डिसाइड हुआ होता है कि ठीक है मुझे ये करना पड़ेगा तब जाके चीज़ें ठीक होगी, ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर एकदम शून्य पे काम करते हैं। शून्य पे मतलब कुछ एफर्ट डालनी नहीं है, ठीक है ये हुआ है अब इसे क्या कर सकते हैं, इसे ठीक करना मुश्किल है, उसे आना होगा, तो वो आप ही से अप्रोच कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है खुद होकर नहीं आना चाहते, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते, सत्य नहीं देखना चाहते। दी वर्ल्ड की एनर्जी ऐसा है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अगर आप नहीं आएंगे तो वो भी नहीं आएंगे। उनमें परिवर्तन बहुत ज़्यादा आ गया है, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आप नहीं आएंगे तो वो नहीं आएंगे, बट मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 4 to 6 वीक्स में ये व्यक्ति आएंगे, अप्रोच करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर की गिव अप एनर्जी बन रही है कि यहाँ पर ये गिव अप ही कर देंगे, डिसाइड कर लेंगे कि बस अब बहुत हुआ। बट यहाँ पर आप बहुत हर्ट हो चुके हैं, आपकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि अब आप बहुत बुरी तरह से हर्ट हुए हैं, अब आप में ताकत ही नहीं है कि आप इनको दोबारा से एंटरटेन करें, आप इनके पास जाएं, लल्लू पच्चू करें, आपसे ये हो ही नहीं पाएगा। आपने कुछ करना बंद कर दिया, क्योंकि पहले भी आपने लाइफ में बहुत बार चीज़ें ठीक करने की कोशिश की है और अब आपको लग रहा है कि अब आप और नहीं ट्राई कर सकते। लेट्स सी यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके आपके लिए। यूनिवर्स मुझे बताए मेरे व्यूवर्स की गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एम्परर, फोर ऑफ कप्स, दी फूल। आप सही देखो, आप सही प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, आप न्यू बिगनिंग करो, ठीक है, आप अपनी लाइफ में रिस्क लो, अब आगे बढ़ो, अब बिकॉज आप रिस्क ही नहीं ले रहे थे अभी तक,
अब आप अपनी लाइफ में रिस्क लो और सिर्फ अपने काम पे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ध्यान दो, ठीक है? आप देखो, इट्स आप ऑलरेडी बहुत वेट कर चुके हो, ठीक है? आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो, अब आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है? अपने जितना देना था, जितना करना था कर दिया, अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने आप पे ध्यान दो, और हो सके तो ट्रैवल करो, बिकॉज ये ट्रैवलिंग एनर्जी भी रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सके तो ट्रैवलिंग करो, आप घूमने कहीं जाओ अगर हो सकता है तो। चांसेस है कि आपके घर में कोई न्यू पेट आ जाए, क्योंकि पेट की एनर्जी भी बन रही है अराउंड। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग करो, आप पीछे मत देखो, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत वेट किया। नाउ इट्स अ टाइम कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्योंकि ये आपका कंफर्ट जोन बन चुका है। चार दीवारी के अंदर बैठना, घुसे रहना, बाहर निकलने की जरूरत है, एफर्ट डालना पड़ेगा। इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एफर्ट डाल, लाइफ को बेटर करो अपनी, बिकॉज ऑलरेडी आपने बहुत कर लिया। अब इट्स अ हाई टाइम कि जब आपको आगे देखना चाहिए, ठीक है? सो दिस इज इट। आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे। और अगर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कुछ मुझसे शेयर करना है, कोई बात मुझे बतानी है, तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। डोंट वरी, कमेंट बॉक्स में सब एक दूसरे के लिए एक जैसा ही सोचते हैं, सब सपोर्टिव हैं, एक दूसरे को प्यार देते हैं। यहाँ पर कोई किसी को जज नहीं करता, आप अपनी बात, अपने दिल की बात खुलकर रख सकते हैं। यदि अगर आपको कोई गलत बात बोल भी रहा है कमेंट्स में आकर, अगर आपके कुछ शेयर करने पे किसी ने आपको गलत जो है ज़बरदस्ती का कमेंट किया या उल्टी सीधी बात बोली, तो मीठा ध्यान तो वैसे भी रहता ही है कमेंट्स पे। अगर कुछ ऐसा रहा तो मैं डेफिनेटली एक्शन लूँगी, ठीक है? आप बाकी अपने मन की बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस डिवाइन फैमिली की खासियत ये है कि सभी एक बराबर, सभी एक जैसे हैं, एक दूसरे का दर्द समझते हैं, सबको पता है अपनी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स। यहाँ पर किसी ने कुछ ना कुछ गलतियाँ ज़रूर की हैं, लेकिन यहाँ पर कोई किसी को जज नहीं करता, कोई नहीं। और सिमिलरली मेरे प्लेटफॉर्म पे ना धर्म के लिए कोई इशू है कि आप अलग अलग धर्म के भी हो सकते हैं, इट्स ओके। आप अलग अलग जगह के हो सकते हैं, अलग अलग कंट्री के हो सकते हैं, है ना? आपकी लाइफ में आप सिंगल हो सकते हैं, मे बी आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं, मे बी आप डिवोर्सी हैं, मे बी आपकी सेकेंड मैरिज है, मे बी आपकी इन लॉज से लड़ाई है, मे बी आपके अपनों से लड़ाई है। कुछ गलत हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है, आप कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर रहे होंगे जो शायद आपको लगे सोसाइटी की नज़र में गलत है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में जिसने भी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, वो सब एक बराबर है, सब एक दूसरे के दर्द को समझते हैं, सबको पता है तकलीफ क्या होती है, और प्यार में जब आते हैं तो प्यार कैसे हो जाता है। तो इट्स ओके, हम अंडरस्टैंड करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप दिल खोलकर अपनी बात कर सकते हैं, ठीक है? सो अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। अगर आपको ब्रेसलेट बनवाने हैं तो अमित सर को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेसलेट बनाते हैं। साथ ही साथ कॉन्टैक्ट से मेरा मतलब व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने बर्थ नंबर देके भी अपने बर्थ नंबर के अकॉर्डिंग बनवाएं तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है? अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।